मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में विभिन्न मुद्दों पर सीधे बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। कोरोना काल में भारत रोल मॉडल बन के उभरा, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी स्थापित हैं और पूरा विश्व उनको आशा भरी नजर से देखता है। अमेरिका की सरजमी पे आज वो जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव की बात है। बदली हुई परिस्थिति और अफगानिस्तान जैसे घटनाक्रम के बाद मोदी जी की अमेरिका यात्रा निश्चित ही लाभदायी रहेगी। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से प्रतिदिन की भांति अभी भी नियंत्रित है। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। इन 12 में से 9 हमारे 3 महानगरों के ही हैं, 5 इंदौर में, 3 भोपाल में, 3 जबलपुर में। 11 प्रकरण 12 में से इन 3 शहर के, सिर्फ 1 प्रकरण अन्य जगह का है। जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर, अपने निवास की ओर जाने वाले 15 लोग हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 96 एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर हैं। संक्रमण दर 0.02% पूरे मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 62,998 सैंपल हमेशा की बात लिए गए हैं। पूरी निगाह है, मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस का कटाक्ष तो वैसे ही है जैसे जल के बोले अफीम ची। सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश को सौगातों की झड़ी लगाई, उनका स्वागत तो बनता ही है। वो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर आ रहे हैं, वो अपने घर में आ रहे हैं, उसका अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? वो तो कर नहीं सकते किसी का, वहां तो गुटबाजी ही रहना है। ये जो कांग्रेस के चचा जान है ना, ये हिंदू धर्म हमारे संत महात्माओं में विभाजन करने का और अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। आप सिंहस्थ देख लो या जो भी विषय आया हो, ये कांग्रेस के जितने चचा जान हैं, भगवा आतंकवाद शब्द ये लेके आए, हिंदू आतंकवाद शब्द ये लेके आए, और आज भी इतने बड़े संत के परलोक गमन पर भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देखिए, अच्छा ये कभी किसी और धर्म पर क्यों नहीं बोलते? मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं बहुत छोटा हूं उनसे, इसलिए मेरी सवाल का वो जवाब नहीं देते, तुच्छ आदमी हूं। लेकिन कभी किसी और बड़े को ये जवाब तो दो, किसी और धर्म पर क्यों नहीं बोले आप आज तक? ऐसे ही है जैसे उनने 947 घोषणाएं कर दी थी अपने पूरे घोषणा पत्र में और एक को भी पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ रामायण में एक चौपाई है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी। शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते हैं तो उन्हें अमल में भी लाते हैं। यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री बन रहे। बीच में थोड़े से कालखंड में ये आए थे, उसमें भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा आए थे, इनको नहीं आए थे। सीट ज्यादा आ गई थी पर बहुमत इन्हें तब भी नहीं मिला था हमारी 15 साल की सरकार के बाद। रखते हैं ताल्लुक जनता से तो निभाते हैं उसूलों की तरह, हमसे नहीं बदले जाते रिश्ते लिबासों की तरह। ये बदलने वाले लोग हैं, कर्ज माफी की कह के बदल गए, नौजवान को बेरोजगारी की कह के बदल गए, बेटियों के विवाह की कह के बदल गए। शिवराज जी ने जो घोषणा की पूरे करने के लिए पूरे संकल्पित रहे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।